एक तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वार्षिक बजट 12,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास मेडिकल स्टूडेंट की हॉस्टल को रिनोवेशन करने के लिए पैसे नहीं है। 2007 में बनी पालड़ी विस्तार में मेडिकल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल 2019 से बंद पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन खुद की ही मेडिकल हॉस्टल भूतिया हालत में पाई गई है। SVP अस्पताल के निर्माण होने के बाद वहाँ पर एक मेडिकल हॉस्टल बनाई गई थी, लेकिन अब वहाँ पर 1100 से ज़्यादा विद्यार्थी उस हॉस्टल में रह रहे हैं। अधिक संख्या के कारण कहीं ना कहीं अब वहाँ का स्पेस कई भी विद्यार्थियों के लिए कम दिखाई दे रहा है, और जबकि ऐसी हॉस्टल जो कि 2007 में ही बनाई गई थी वो खंडेर हालत में पाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों के लिए इस हॉस्टल का रिनोवेशन किया जाए, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भाजपा बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जब बजट देने की बात आती है तो बजट के कार्यों को पूरा नहीं किया जाता। 2019 से करीबन 5 वर्षों से ये हॉस्टल भूतिया हालत में पड़ी हुई है, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं को कुछ भी नहीं पड़ी है कि इन विद्यार्थियों के लिए ये हॉस्टल को चालू किया जाए और फिर से इसका रिनोवेशन करके जो SVP में जिसकी संख्या विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती जा रही है तो कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के इस राज में भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी इतना डूब चुके हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों के हित के कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं।